दोस्तों अगर आप लोग एयरटेल का सिम यूज कर रहे हैं तो आपके प्लान अब फिर से बढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल के प्लान फिर से बढ़ने वाले हैं। वैसे मैं यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर एयरटेल यहाँ पर प्लान बढ़ाता है तो दूसरे ऑपरेटर जैसे जियो हुआ या वोडाफोन आइडिया हुआ, उनके भी प्राइस यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। क्या कुछ न्यूज आप लोग के लिए आने वाली है, कब ये प्राइसेस हाइक होने वाले, सारी जो डिटेल है दोस्तों वो आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको आप प्रेस कीजिए और जो साइड में बेल आइकन आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए और बाद में आप जो है ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले इंडियन जुगाड़ टैग पर। तो दोस्तों अभी यहां पर एयरटेल के द्वारा उनकी जो क्वार्टर 3 की रिपोर्ट थी वो यहां पर पब्लिश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि एयरटेल का जो फिलहाल एआरपीयू चल रहा है वो यहां पर 163 रुपीज चल रहा है, यानी कि एयरटेल हर यूजर से जो है अपने हर यूजर से 163 रुपए हर महीने यहां पर कमा रहा है। लेकिन यहां पर गोपाल विट्ठल जी के द्वारा ये स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है कि अभी जो उनका एआरपीयू वो काफी कम है और इस साल यानी कि 2022 के अंदर जो एआरपीयू है वो यहां पर करीबन 200 रुपए होना चाहिए। जी हां दोस्तों, हर यूजर को मिनिमम 200 रुपए यहां पर पे करने पड़े, तो ऐसा जो है यहां पर इतने प्लान जो है यहां पर हाइक होने चाहिए, तो इसलिए जो प्लान है वो यहां पर हाइक किए जाएंगे। तो इस बार जो प्लान हाइक हुए थे अभी नवंबर 2021 में जो प्लान हाइक हुए थे एयरटेल ने सबसे पहले यहां पर हाइक किए थे, करीबन जो है 20-25% जो प्लान है वो यहां पर हाइक किए गए हैं। लेकिन यहां पर गोपाल विट्ठल जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि इस साल जो यहां पर एआरपीयू है वो 200 रुपए होना चाहिए और नेक्स्ट ईयर वो एआरपीयू जो है वो 300 रुपए होना चाहिए, यानी कि अब आपको अगले साल तक जो है 300 रुपए पे करने पड़ेंगे एक महीने के रिचार्ज के लिए। ऐसा यहां पर स्टेटमेंट गोपाल विट्ठल जी के द्वारा दिया गया और उन्होंने बताया कि अभी उनका जो सिम कंसोलिडेशन वाला कार्य वो चल रहा है जिसमें करीबन 2-3 महीने लगने वाले हैं। तो जो भी यूजर्स इनएक्टिव है उनको जो है यहां पर डीएक्टिवेट किया जा रहा है, उनका सिम बंद किया जा रहा है, उन नंबरों को बंद कर दिया जा रहा है। तो उसके बाद में जैसे ही सभी एक्टिव यूजर उनके पास में रह जाते हैं तो उसके बाद में जो प्लान है वो यहां पर बढ़ाए जाएंगे, करीबन 2-3 महीने लगने वाले हैं अभी जो प्लान है वो हाइक होने में। तो यहां पर करीबन जो है जून जुलाई तक जो प्लान है वो यहां पर बढ़ सकते हैं और इस बार काफी ज्यादा हाइक होंगे, करीबन 30% तक जो प्लान है वो यहां पर हाइक होने वाले हैं। एयरटेल यहां पर जो है ये स्टेटमेंट दे चुका है, लेकिन एयरटेल अगर प्लान बढ़ाएगा तो जियो भी बढ़ाएगा और वोडाफोन आइडिया भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों आपके जो मोबाइल का खर्चा है, जो भी प्रीपेड यूजर्स है उनका खर्चा और ज्यादा अब इस साल बढ़ने वाला है। तो ये कुछ न्यूज आ रही थी आप लोगों के लिए कि एयरटेल यहां पर अपने जो प्लान है वो इस साल बढ़ाने वाला है करीबन 30% और एयरटेल क्या सभी जो ऑपरेटर्स है वो यहां पर बढ़ाने वाले हैं। बीएसएल ने अभी तक अपने प्लान इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं किए, सबसे सस्ते जो प्लान मिल रहे हैं वो बीएसएल की तरफ से मिल रहे हैं। आप लोग बताना इसके बारे में आपकी क्या राय है कि इन ऑपरेटर्स को अपने जो प्लान है वो इतने ज्यादा बढ़ाने चाहिए नहीं बढ़ाने चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।